जाने के आधे रास्ते में, जगह का नाम है नानू। आलू मुश्किल होगा। प्रमुख में से स्नान करने के बाद आपको अंदर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो जरा छींटे लेके ही काम चलाएं। ये ब्रह्म कमल जो 15,000 फीट के ऊपर ही होता है। ब्रह्म कमल के दर्शन ही बहुत पुण्यशाली माने गए हैं। ब्रह्म कमल भगवान पे चढ़ाना बहुत पुण्यशाली माना गया है, लेकिन आज नसीब खुल गए क्योंकि मध महेश्वर में ब्रह्म कमल भगवान महाराज ने प्रसाद में दिया है। आप भी दर्शन करिए ब्रह्म कमल के। लेना चाहते हो तो यहाँ आओ, भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ आओ, जीवन में कुछ पाना चाहते हो, भगवान का आशीर्वाद चाहना है तो आओ मध महेश्वर महादेव। ये देखिए कितना खूबसूरत झरना है, बहुत खूबसूरत है। नदी ये जा रही है और आगे जाके दोनों का संगम। मध्य महेश्वर के 2 किलोमीटर ऊपर जाके देखेंगे तो आपको चौखंबा पर्वतों की सीरीज दिखेगी। मध्य महेश्वर में महादेव का मध्य भाग फैलाया था महादेव ने। कुल हत्या का पाप लगने की वजह से, सारे कौरवों को मारने की वजह से पांडवों को कुल हत्या का पाप लगा, इसलिए वो माफ़ी मांगने के लिए कृष्ण भगवान की सलाह पे महादेव को ढूंढने गए, लेकिन महादेव उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए महादेव छुप गए। तब भीम ने पाँव रखा और सारे भैंसे वहाँ से निकल गए और महादेव भी भैंस का आकार लेके बैठे थे, लेकिन वो वहाँ से पाँव से नीचे से नहीं निकले। तब भीम ने महादेव को पकड़ लिया और महादेव ने अपना पूरा शरीर फैलाया, जिसमें के कमर के नीचे का भाग जो है वो पशुपतिनाथ में है। हाथ फैलाए हुए महादेव हैं, खड़े आपको बुला रहे हैं। टुंगनाथ में वहाँ पर महादेव के हाथ हैं, रुद्रनाथ में महादेव का मुख है, कल्पेश्वर में महादेव की जटाएँ हैं और केदारनाथ में महादेव की पीठ है। और अभी जो आप दर्शन करेंगे वो है मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर में महादेव का मध्य का भाग है। टुंगनाथ सबसे ऊंची हाइट पे है, लेकिन वहाँ पर ट्रैकिंग सिर्फ 3 किलोमीटर है क्योंकि रोड चौपटा तक बना हुआ है। चौपटा का सीन भी देखने जैसे हैं। रुद्रनाथ का ट्रैकिंग 21 किलोमीटर का थोड़ा टफ है, जो नए ट्रैकर्स हों उनको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी। मध्य महेश्वर का भी ट्रैकिंग 21 किलोमीटर का है, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं है। और कल्पेश्वर में 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग था जो भी 0 हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वो तो आप करने वाले हैं।